देखिए, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने स्लोगन दिया था बहिरागत, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, बीजेपी के वो नेता जो बाहर से आके जो बांग्ला नहीं बोल पाते हैं, उन पर आरोप लगा रहे थे कि बाहर के लोग बंगाल पर राज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब नंदीग्राम में वही स्लोगन टीएमसी के खिलाफ जाया हो गया है, यानी कि भूमि पुत्र बना दिया है बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को, वोटर बनाकर यहाँ पर आज इसी बूथ पर वोट किया है। 669 नंबर वोटर, 76 नंबर बूथ, 210 नंबर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, नंदीग्राम, नंदनायक मोड़, बाढ़। अब ये सारा इलाका, ये यहाँ का वोटर, यानी यहीं का वोटर शुभेंदु अधिकारी, यहीं के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी, और उनके साथ साथ क्या शुभेंदु अधिकारी पड़ेंगे ममता बनर्जी पर भारी, ये आज दिलचस्प होगा देखना। इसका फैसला आज हो जाएगा। करीब 3 लाख से ज़्यादा की जनता आज इनके भविष्य का फैसला कर देगी। कतार लंबी है लोगों की, आप इनसे लेकिन बात करने जाएंगे तो सब चुप्पी साध लेंगे। अब अधिकतर लोगों से हमने बात की तो उनका यही कहना है कि मुद्दा हमारा क्या मुद्दा है आपका इस बार? काम चाहिए, बेकार लोग मोबाइल लेके रास्ता में घूम रहा है, छोटा लड़का लोग पढ़ा, उसको काम चाहिए, काम चाहिए। और कोई मुद्दा होगा इस बार? काम चाहिए और शांति चाहिए, शांति चाहिए। देखिए ये, और आपको बता दें बंगाल में गणतंत्र का त्योहार होता है, ये इससे कम नहीं होता है। साड़ियां पहन के माँ कैमोन कथाए थे कि इस चेनेबार की इशू ते वोट करबेन जेई जीतुक ना केन उन्नयनটা চাই আমি যেই জিতুক না হ্যাঁ শান্তি এই ভাবে শাড়িগুলো পরে এসেছেন আজকে কি কোনো পর্ব আছে মনে হয় ওটা আমি মনে করি না মনে করেন না देखिए ये जो तैयारियां होती हैं लोगों की, महिलाओं की, गमछा साड़ी, रंग बिरंगे रंगों की साड़ियां, महिला वोटर जिसकी बात बार बार हो रही है, वो आपको हम आज तस्वीरों में दिखा रहे हैं। महिला वोटर इस बार बंगाल में 49% ही नहीं है, इस बूथ पर यानी कि इस पूरे नंदीग्राम विधानसभा में भी उतनी ही पकड़ है, करीब 40-45% से ज़्यादा महिला वोटर हैं। ध्रुवीकरण के आरोप लगे बीजेपी पर, तो वहीं दूसरी ओर महिला वोटर का समर्थन मांगते हुए हर दल ने इस बार पूरी कोशिश की है। क्या क्या मुद्दे हैं, क्या इस बार बातें होंगी वोटरों के अंदर, और जज्बा पूरा है क्योंकि एक कारण गर्मी होता है, 40-45 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा अभी 11 बजे के अंदर, और इतनी चिलचिलाती धूप में कई घंटों तक लाइन में खड़े रहना आसान नहीं होता है। ऐसे में सुबह सुबह कतार में लग कर, लाइन में लग कर लोग वोट करके जाते हैं, और फिर दूसरा चरण शुरू होगा दोपहर के बाद से। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की, जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।